और नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त अरुण जेटली के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। नीरज, परिजनों की ओर से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रशांत, हम लोग कैलाश कॉलोनी इलाके में जहां अरुण जेटली का निवास स्थल है, परिवार के लोगों का आने का सिलसिला जो है, जो रिश्तेदार हैं उनके निवास स्थल पे उनका आना जाना शुरू हो गया, लेकिन पुलिस ने बहुत पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी है। यहां से करीब 80 मीटर की दूरी पर अरुण जेटली का घर है, A44 कैलाश कॉलोनी में, लेकिन किसी भी गाड़ी की आवाजाही को पुलिस ने यहाँ रोक दिया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद VVIP मूवमेंट होगा, उनके घर पर ही उनके शरीर शव को, पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ मिनिस्टर्स या तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचेंगे, उनके रिश्तेदार पहुंचेंगे, इसलिए पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया। मीडिया की टीम जो है वो काफी दूरी पर है, 80 मीटर की दूरी पर उनके निवास स्थल से है, और अब जो है धीरे धीरे मूवमेंट होना यहाँ शुरू हो रहा है, उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार आना शुरू हो रहे हैं, और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ नेताओं का तांता लगेगा, मंत्रियों का तांता लगेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या दूसरी पार्टी के नेता हो, वो पहुँचेंगे, क्योंकि अरुण जेटली की जो शख्सियत थी, चाहे दूसरी पार्टी की बात करें और खुद की पार्टी के लिए, तो एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो एक मजबूत आवाज़ देने का काम सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली ने जो किया, और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत पार्टी के तौर पे भारतीय सियासत में स्थापित किया, उसको कभी भूला नहीं जा सकता, तो बीजेपी को एक बड़ी क्षति। और देख सकते हैं लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो तैनात हो गए हैं यहाँ कि किसी भी तरह की मूवमेंट को, जिससे यहाँ कोई जाम न लग सके, उसको रोका जा सके, तो उनके घर के बाहर जो है आवाजाही, गाड़ियों के आने का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत दूर पे मीडिया की टीम खड़ी है, यहाँ से 80 मीटर की दूरी पे उनका निवास स्थल है, और ये सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, VVIP मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि ये व्यक्तिगत नुकसान है, देश के विकास में अभूतपूर्व भूमिका रही है अरुण जेटली की। उन्होंने कहा है कि अरुण जेटली, एंड एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, यू बीन लुकिंग आफ्टर द स्टेट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, एंड वॉट अ प्रोविडेंशियल कोइंसिडेंस दैट द लास्ट ब्लॉग ही रोट वॉज on the abrogation of Article 370, soon after the Lok Sabha had passed the bill. और जितेंद्र सिंह जिस तरह से अपनी राय रख रहे थे कि उन्होंने हर उन नाजुक मुद्दों पर अहम भूमिका निभाई है, तैयार किया है उबारने के लिए, ना सिर्फ पार्टी को बल्कि देश को भी, और प्रधानमंत्री की भी यही प्रतिक्रिया थी कि सियासत की ये शिखर पुरुष रहे। आई थिंक बेस्ट ब्रेन इन द कंट्री, and the void is not going to be filled, at least not in our lifetimes. और लगातार हर राजनीतिक दल के नेताओं की यह प्रतिक्रिया कि ये हिंदुस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा नुकसान है अरुण जेटली का इस तरह जाना। 12:07 पर अरुण जेटली का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है, आधिकारिक तौर पर एम्स की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया। तमाम राजनीतिक दलों के नेता इसे एक बड़ा नुकसान मान रहे हैं, लेकिन आदरणीय जेटली जी के माध्यम से जब किसी विषय को रखा जाता था सामान्य ढंग से, उसमें कोई कमी निकाल करके जब व्यक्ति खड़ा होता था और जब उनके माध्यम से उत्तर आता था तो इतनी संतुष्टि होती थी, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि होता था, जो सदन के अंदर चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में बैठा होता था, उसको लगता था कि हमें एक बहुत ही विद्वान, मतलब अपने देश के मिनिस्टर के माध्यम से हमें उत्तर मिला है। श्रद्धेय जेटली जी के ही वित्त मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में एक देश एक टैक्स अर्थात GST लागू हुई है। मेरा व्यक्तिगत तौर से उनसे बहुत निकट संबंध रहा, उनका बहुत मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता था, परिवार से भी हमारा बहुत निकट का संबंध है। आज यह समाचार सुन करके मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज की इस सूचना से बहुत दुख का अनुभव कर रही है।
हम सब उत्तर प्रदेश की जो 23 करोड़ जनता है उसकी ओर से अरुण जेटली जी के लिए, महासचिव भी रहे, अध्यक्ष रहे, कभी भी उन्होंने अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया। वे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या अन्य संगठनों के जो वैचारिक दृष्टि से नज़दीक हैं, उनका यह रहता था कि भाई अनुशासन किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए, हमारे जीवन में शुचिता चाहिए, संस्कार चाहिए, और अपना जो उद्देश्य है, अपना जो ध्येय है, हम क्यों राजनीति कर रहे हैं, वो स्पष्ट रहना चाहिए। और इसलिए अरुण जी कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, स्पष्ट सोच थी, स्पष्ट दिशा थी जिस पर उनको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। हजारों कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए जो पार्टी को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करते रहेंगे। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है वो भी आजकल कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, बच्चे हैं, उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अरुण जी का जाना एक पार्टी या विचारधारा की क्षति नहीं है, बल्कि एक तरह से वो देश की ताकत थे, ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि पार्टी का ही नुकसान नहीं है अरुण जेटली का निधन, बल्कि वो देश की ताकत थे। और हर राजनीतिक दल से इसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मायावती बीएसपी प्रमुख ने भी कहा है कि अरुण जेटली के निधन की खबर से अति दुखद हूं, उनकी बीमारी के हाल को सुनकर उनसे मिलने के लिए एम्स भी गई थी, वो अच्छे वकील और अच्छे इंसान थे और देश की राजनीति में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि उनके सियासी विरोधी भी लगातार एक पार्टी के लिए, सरकार के लिए और देश के लिए एक बहुत